दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच के दौरान आखिरी ओवर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा ड्रामा देखने को मिला जब कोई कप्तान बीच मैच से ही अपने प्लेयर को वापस बुला रहे हो। जी हां दोस्तों, दरअसल दिल्ली की टीम को आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 36 रन की जरूरत थी। रोमन पॉवेल ने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्का लगा दिया, लेकिन जब पॉवेल ने तीसरी गेंद पर छक्का लगाया तब यह गेंद वेस्ट हाई बॉल थी, लेकिन अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया, जिसके बाद दिल्ली का दगआउट और ऋषभ पंत अंपायर पर भड़क गए। इसके बाद एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसके बाद ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और पॉवेल को बीच मैच से ही वापस बुलाने लगे। दिल्ली का पूरा मैनेजमेंट भी मैच को रोकने के लिए मैदान पर जाने के लिए खड़े हो गए, जिसके बाद बटलर और पंत भी नो बॉल को लेकर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि अंपायर ने इसे नो बॉल नहीं दिया, जिसके कारण दिल्ली की टीम यह मैच 15 रन से हार गई। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिरी ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।